दोस्तों, जब से आरबीआई ने रेपो रेट और सीआरआर बढ़ाया है, तब से ही यह उम्मीद की जा रही थी कि बैंक अपनी सेविंग स्कीम के इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बैंक कस्टमर को निवेश करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए कुछ बैंकों ने अपनी फिक्स डिपॉजिट स्कीम में एफडी में इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। तो अब अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए अच्छा मौका है। अब तक SBI, एक्सिस बैंक, ICICI, पंजाब नेशनल बैंक सहित 8 बैंकों ने एफडी रेट्स को बढ़ा दिया है। ये बढ़त 10 बेसिस पॉइंट से लेकर 90 बेसिस पॉइंट्स तक हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 10 BPS का मतलब होता है 0.10%, ऐसे ही 90 BPS का मतलब होगा 0.90%। बैंकों ने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अलग अलग टेन्योर के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। तो मैं आपको सिर्फ उन टेन्योर के बारे में बताऊंगा जिसके लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है, क्योंकि सभी टेन्योर के लिए इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया गया है। कुछ टेन्योर के लिए इंटरेस्ट रेट को कांस्टेंट ही रखा गया है, यानी जो पहले था वही रखा गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और इसी तरह के अपडेट्स जानते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक के एफडी रेट्स हम चेक कर लेते हैं। तो ये चार्ट है टेन्योर के हिसाब से एफडी रेट्स का। PNB ने 2 करोड़ से कम के इन्वेस्टमेंट के लिए एफडी रेट्स बढ़ाए हैं, जो कि 10 बीपीएस से लेकर 20 बीपीएस तक बढ़ाए गए हैं। आप जिस भी बैंक का एफडी रेट्स देखना चाहते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखें। ये सभी जो अलग अलग टेन्योर हैं, उसके हिसाब से जनरल सिटीजन और सीनियर सिटीजन वालों के लिए एफडी रेट्स रिवाइज किए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 7 to 45 days के लिए जनरल सिटीजन के लिए 3% है और सीनियर सिटीजन के लिए 3.5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ऐसे ही 1 साल से ज्यादा लेकिन 2 साल तक के लिए जनरल सिटीजन को 5.10% इंटरेस्ट रेट मिलेगा और सीनियर सिटीजन को 5.60% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इसी तरह से आप सभी बैंक के एफडी रेट्स का चार्ट देख सकते हैं, जो कि मैं आपको एक एक करके दिखाता चलूंगा। इसके बाद बात करें एक्सिस बैंक के एफडी रेट्स की, तो इसमें भी 2 करोड़ से कम के इन्वेस्टमेंट के लिए एफडी रेट्स बढ़ाए गए हैं। 5 बीपीएस से लेकर 35 बीपीएस तक रेट्स बढ़ाए गए हैं। जैसे कि यदि आप 2 साल से ज्यादा लेकिन 5 साल से कम के लिए एफडी लेना चाहते हैं, तो यदि आप जनरल सिटीजन हैं तो आपको 5.60% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 6.25% इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह से आप केनरा बैंक के एफडी रेट्स देख सकते हैं। इसमें भी 2 करोड़ से कम के इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए हैं और 25 बीपीएस तक यानी 0.25% तक बढ़ा दिए गए हैं। इसमें 46 डेज से लेकर 3 साल तक की एफडी के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए गए हैं। अब इस चार्ट में आप बंधन बैंक के एफडी रेट्स देख सकते हैं। इसमें भी यदि आपका इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से कम है तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट मिलेगा। इसमें सिर्फ एक ही टेन्योर के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है, जो कि 1 साल से ज्यादा लेकिन 18 महीने यानी 1 साल 6 महीने से कम तक की एफडी के लिए है, और 0.50% बढ़ाकर जनरल सिटीजन के लिए 5.75% कर दिया गया है। और बंधन बैंक में सीनियर सिटीजन के लिए एफडी रेट्स हमेशा जनरल सिटीजन के एफडी रेट्स से 0.75% अधिक होता है, जो कि 6.50% है। इसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक के एफडी रेट्स चार्ट को देखें, तो इसमें भी 2 करोड़ से कम के इन्वेस्टमेंट के एफडी पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए हैं, जो कि 25 बीपीएस से 50 बीपीएस तक बढ़ा दिए गए हैं। इसमें 31 डेज से लेकर 10 सालों तक की एफडी के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए गए हैं। जैसे 180 डेज के लिए अगर आपको एफडी लेनी है तो 4.75% जनरल सिटीजन के लिए और 5.25% सीनियर सिटीजन के लिए है। इसी तरह से अगर आप 2 से 3 साल तक की एफडी करवाना चाहते हैं तो 5.60% और 6.10% एफडी रेट्स हैं। इसमें काफी सारे टेन्योर के लिए एफडी रेट्स बढ़ाए गए हैं। अब जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का एफडी रेट्स देखें, तो सिर्फ 3 से 5 साल तक के टेन्योर के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है। 25 बीपीएस बढ़ा दिया गया है, जो कि 7% और 7.80% है। यह भी 2 करोड़ से कम के इन्वेस्टमेंट के लिए है। अब बात करें ICICI बैंक की, तो इसमें 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट के लिए एफडी रेट्स बढ़ाए गए हैं। 10 बीपीएस से लेकर 25 बीपीएस तक एफडी रेट्स बढ़ा दिए गए हैं। 7 डेज से लेकर 184 डेज तक के टेन्योर के लिए एफडी रेट्स बढ़ाए गए हैं। इसी तरह स्टेट बैंक में भी 2 करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट के लिए एफडी रेट्स रेगुलर एफडी रेट्स से 40 बीपीएस से लेकर 90 बीपीएस तक बढ़ा दिए गए हैं। 48 डेज से लेकर 10 सालों तक के टेन्योर के लिए एफडी रेट्स बढ़ाए गए हैं।
तो दोस्तों ये थे उन बैंकों के एफडी रेट्स जो आरबीआई द्वारा रेपो रेट और सीआरआर बढ़ाने के बाद बढ़ाए गए हैं। अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जरूर बढ़े हुए एफडी रेट्स का फायदा उठाइए। इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम प्रोफाइल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हैव अ नाइस डे।